वेलकम बैक टू माय नीनू किचन। तो कल था रक्षाबंधन और इतनी सारी मिठाइयाँ बची हुई हैं, तो मैंने सोचा इसका कुछ करा जाए जुगाड़, जो कि खाए एकदम इतनी सारी मिठाई खाई नहीं जाती। तो मैंने यहाँ पर लिया है मिठाई, यानी कि बर्फ़ी दूध वाली, और इधर मैंने एक कटोरी आटा लिया है और इस आटे को हम घी डालकर भूनेंगे। इसमें मैंने प्योर देसी घी ये ऐड कर दिया है और आटे के साथ इसको भूनेंगे हम अच्छे से, हमारी जो मिठाई है उसका भी प्रयोग हो जाएगा और कम मीठा लगेगा। एकदम डायरेक्ट मिठाई हम खाते हैं तो बहुत मीठी लगती है और बच्चों को भी मिठाई का फिर मिठाई मिठाई हो जाती है। और इस तरह से आप जैसा मैं बना रही हूँ इस तरह से बनाएंगे तो एकदम डायरेक्ट मिठाई भी नहीं जाएगी और हमारी मिठाई भी ख़त्म हो जाएगी जो इतनी सारी रखी हुई है बची हुई। आजकल कितना भी कम मिठाई हो फिर भी थोड़ी थोड़ी करके भी बहुत हो जाती है, तो और वो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकती हैं मिठाई का। इसको भून लेंगे हम अच्छे से करके, गैस की फ्लेम को हम थोड़ा हल्का कर देंगे, तेज हो रखी है तो हम हल्का कर देंगे गैस की फ्लेम को और हल्के पे इस आटे को हम भूनते रहेंगे। आटे में एक अच्छी सी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, इसकी पहचान ये भी है। इस तरह से हम आटे को भूनेंगे, अब इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने गैस की फ्लेम को भी बहुत हल्का कर रखा है और ये सिलोई गैस की फ्लेम पे हमें आटे को भूनना होता है और ये थोड़ा हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह से ही हम और अभी थोड़ी देर भूनेंगे इसको चला चला के इस तरह से। इस तरह से हमारा आटा भुनकर तैयार हो गया है, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बर्फी थी उसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, यानी कि हाथ से इसको मैश कर लिया है। अब इसी गरम इसमें ये हल्का सा गरम है गुनगुना सा, इसी के अंदर मैं ये जो बर्फी मैंने मैश करी थी इसको ऐड कर दूंगी मिठास के लिए। कोई हमें चाशनी नहीं बनानी और हमारी बर्फ़ी का भी, जो हमारी बर्फ़ी बची हुई है उसका भी प्रयोग हो जाएगा। और इस तरह से बनाने से आटा जो है ज़्यादा मुंह में आएगा तो ये मिठास भी नहीं रहेगी इसकी इतनी। इस तरह से इसको चलाते रहेंगे, गरम है हमारा हल्का सा आटा। इसमें आप चाहें तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। इसको इस तरह से मैं चलाती रहूंगी। और इसी में मैंने फ्रेश दूध की मलाई भी डाल दी है, घर में ही थी मलाई दूध में तो वो डाल दी है और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब चीज़ मिक्स हो जाएगी हमारी। जैसा कि मैंने बताया था इसमें कोई मैंने चीनी नहीं ऐड करी है, बस हमारी रक्षाबंधन की बची हुई जो बर्फी है उसका प्रयोग करके हमने ये बना रही हूँ। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस तरह से मैंने थाली को उल्टा करके उस पर घी लगा दिया है थोड़ा सा, तरह से मैंने प्लेट में जमा दिया है
कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि हमारी बर्फ़ी में ही ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो ये जमा दूंगी। और इस पे मैं लगा दूंगी चांदी का बर्फ। इस तरह से देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई, एकदम डायरेक्ट हमारे मुंह में मिठाई भी नहीं गई, यानी कि जो बर्फ़ी थी वो उसका डायरेक्ट टेस्ट नहीं गया, क्योंकि अक्सर मिठाई खा खा कर बोर हो जाते हैं इस तरह से इतनी मीठी मिठाई खा कर। तो अगर इस तरह से आप आटे में इसको बनाकर जमाएंगे, बच्चों को भी एक अलग सा टेस्ट मिलेगा और हेल्दी तो है क्योंकि आटे का है ये, और इसके साथ में मिठास भी हमने बर्फ़ी की डाल दिया अलग से, कोई एक्स्ट्रा इसमें चीनी वगैरह हमने यूज़ नहीं करी है, और हमारी बर्फ़ी का भी यूज़ हो गया इस तरह से। तो आपके पास भी अगर रक्षाबंधन की बची हुई मिठाई रखी है तो आप इस तरह से उसका प्रयोग कीजिए, इस तरह से जमाइए, कितनी अच्छे से जमकर तैयार हुई है। अब इसको मैं पीसेस में कट कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने शेप दे दिया इसको बर्फ़ी का काट कर। अब इसको हम अलग अलग पीसों में निकाल लेंगे। इस तरह से आप भी रक्षाबंधन की बची हुई मिठाई का लुत्फ़ उठाइए, कितनी अच्छी सी बर्फ़ी बनकर तैयार है हमारी, और आटे की वो भी हेल्दी सी और एकदम डायरेक्ट, जैसा कि मैंने बताया बर्फ़ी खाकर बोर हो गए तो फिर इस तरह से बनाइए मिठाई। आपको बची हुई मिठाई की टेंशन भी नहीं रहेगी कि क्या करना है। ये मैंने ट्राई करके देखा था और बहुत अच्छी बनी है सच में। जैसा कि मैंने बताया आटा को हमने देसी घी में भूना है प्योर, और बहुत अच्छी मिठाई बनी है एकदम सॉफ्ट। तो आप भी ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।